अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर लेसन। तो आज के लेसन में हम 9th क्लास इंग्लिश के यूनिट 3 की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तो हम यूनिट को पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेट करेंगे। तो हम हर सेंटेंस के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, सबसे पहले हम उनके मीनिंग्स को लिखेंगे और उन मीनिंग्स को फिर देखते हुए हम टेक्स्ट को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा टाइटल है यूनिट 3 का, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। बेसिकली इस यूनिट में ये बताया गया कि एक 9th क्लास में एक ट्यूटोरियल होने जा रहा है, यानी एक बेसो मुबैसा होने जा रहा है। और आपको पता है कि ट्यूटोरियल जो होता है या बेसो मुबैसा जो होता है, वो किसी क्लास में एक ग्रुप डिस्कशन होती है, यानी कि ऐसी डिस्कशन होती है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर के साथ मिल के किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर बेस करते हैं। तो ये यूनिट भी एक इसी तरह की एक ट्यूटोरियल या डिस्कशन के बारे में है। और ये ट्यूटोरियल जो होगा उसका टॉपिक क्या होगा, तो ये उसका टॉपिक है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। ओके, तो अगर हम इस टाइटल को उर्दू में देखें तो इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट या असर। तो हम इसको उर्दू में इस तरह भी लिख सकते हैं कि मीडिया और उसका असर। मीडिया और इसका असर, इम्पैक्ट का मतलब है इफेक्ट या उर्दू में हम इसे कहेंगे असर। ओके, सो मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और उसका असर। यानी इस लेसन में, यानी इस ट्यूटोरियल में एक टीचर है मिस आयशा, और वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो अब हम पैराग्राफ वाइज टेक्स्ट को रीड करेंगे और इसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को लिखेंगे और साथ साथ ट्रांसलेट करते जाएंगे। ओके, सो मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। The students eagerly attend her class. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. So Miss Aisha is the favorite teacher. यानी Miss Aisha जो हैं वो पसंदीदा teacher हैं of class 9 की। Okay? सो मिस आयशा क्लास 9 की पसंदीदा टीचर हैं, उस्तानी हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। सो ईगरली, तो ईगरली का मतलब होगा ईगरली। तो ईगरली को हम उर्दू में कहेंगे बेताबी से या शौक से। सो ईगरली मीन्स, ईगरली का मतलब होगा खुशी से, या बेताबी से। ओके, अटेंड का मतलब है हाजिर होना, शिरकत करना। अटेंड हाजिर होना या शिरकत करना। ओके, सो स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास, यानी तालिबे इल्म उनकी क्लास में खुशी के साथ शरीक होते हैं या उनकी क्लास में खुशी के साथ हाजिर होते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम, यानी मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती हैं विद हर यूजुअल स्माइल, यानी आम तौर पर मुस्कुराहट के साथ। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, ने तलबा को खुश आमदीद कहती हैं। ग्रीट का मतलब होता है खुश आमदीद कहना, वेलकम करना। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लेती हैं। तो ग्रीट्स का क्या मतलब होगा,
सो ग्रीट्स का मतलब होगा वेलकम्स। ग्रीट्स मीन्स वेलकम्स, खुशामदीद। कैन सो मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, ग्रीट्स द स्टूडेंट्स एंड टेक्स द रोल कॉल। मिस आयशा जमात में आम तौर पर मुस्कुराहट के साथ दाखिल होती हैं, तालिब इल्मों को खुश आमदीद कहती हैं और हाजिरी लेती हैं। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, यानी आज उनका ट्यूटोरियल डे है, ये उनका ट्यूटोरियल डे है। ट्यूटोरियल का मतलब होता है बेस ऑफ मोबाइल सा, सो ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल मीन्स बेसो मोबाइसा, डिस्कशन। ओके, ट्यूटोरियल हम डिस्कशन भी कह सकते हैं, डिस्कशन। तो आज उनका ट्यूटोरियल डे है, यानी आज बेसो मोबाइसे का दिन है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गेयर्ड अप, द स्टूडेंट्स आर ऑल गेयर्ड अप। गेयर्ड अप का मतलब होता है रेडी, सो गेयर्ड अप, सो गेयर्ड अप मतलब होगा रेडी। इसको हम कहेंगे तैयार। द स्टूडेंट्स आर ऑल गेयर्ड अप, तो तमाम तालिब इल्म रेडी हैं, तैयार हैं। दे नो वट इज अबाउट टू कम, ओके, दे नो वो जानते हैं, वट इज अबाउट टू कम कि क्या आने वाला है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं। शेल वी स्टार्ट, तो शेल वी स्टार्ट का मतलब होगा कि क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली, ओके, शेल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स वो पूछती हैं, पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है शायस्तगी के साथ, ओके, अदब के साथ, शायस्तगी के साथ। सो पोलाइटली मीन्स शायस्तगी के साथ। शेल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली, वो शायस्तगी के साथ पूछती हैं। यस द स्टूडेंट्स नॉड, हाँ स्टूडेंट्स नॉड, नॉड का मतलब है सर हिलाना, इस तरह सर हिला के हाँ करना। द स्टूडेंट्स नॉड, नॉड का मतलब होगा सर हिला कर रजामंदी जाहिर करना, ओके, सर हिला कर रजामंदी जाहिर करना। यस, हाँ, द स्टूडेंट्स नॉड, यानी तालिब इल्म सर हिलाकर रजामंदी जाहिर करते हैं। अगर हम इस पूरे इस एक पैराग्राफ को दोबारा से उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन देखें तो वो ये होगी, मिस आयशा क्लास 9 की पसंदीदा टीचर हैं, तालिब इल्म उनकी क्लास में खुशी से हाजिर होते हैं, मिस आयशा आम तौर पर जमात में मुस्कराहट के साथ दाखिल होती हैं, तालिब इल्मों को खुश आमदीद कहती हैं और हाजिरी लेती हैं। ये उनका बेसो मुबाइसे का दिन है, तमाम तालिब इल्म तैयार हैं, वो जानते हैं कि क्या आने वाला है और वो इसके लिए तैयार हैं। क्या हम शुरू करें, वो शायस्तगी के साथ पूछती हैं।
हाँ, तालिबे इल्म सर हिलाकर रजामंदी का इजहार करते हैं। आइए अब हम टेक्स्ट को मजीद आगे स्टडी करते हैं। टीचर, ये अब टीचर जो हैं वो बात कर रही हैं। ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इसमें आप कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। डिसाइडेड का मतलब है फैसला किया, अर्लियर यानी इब्तदा में यानी पहले से, सो डिसाइडेड अर्लियर, सो डिसाइडेड फैसला किया अर्लियर, पहले से। डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होगा मुबाहसा। डिस्कशन, डिस्कशन को हम उर्दू में कहेंगे मुबाहसा, बहस व मुबाहसा। टॉपिक, टॉपिक का भी मीनिंग में लिख देता हूं। टॉपिक का मतलब होगा उनवान। ओके, रोल, रोल का मतलब होगा किरदार, और इम्पैक्ट का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, असर। ओके, सो टीचर कह रही हैं, ओके अच्छा, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले से फैसला कर चुके हैं, द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज, आज के बेसो मुबाहसे का उनवान ये है, द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार एंड इट्स इम्पैक्ट और उसका असर। टू स्टार्ट विद, लेट मी स्टेट क्लियरली डेट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। स्टेट, तो स्टेट का मतलब है टू डिस्क्राइब, बयान करना। स्टेट, बयान करना। क्लियरली, क्लियरली मीन्स वाज़े तरीके से। द मोस्ट पावरफुल यानी मजबूत तरीन या सबसे पावरफुल ताकतवर मोड, मोड का मतलब होता है मीन्स, जरिया। मोड मतलब होता है जरिया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है उर्दू में मवासलात। मवासलात का मतलब है कि तमाम इंफॉर्मेशन को यानी एक जगह से दूसरी जगह यानी तक पहुंचाना, मवासलात। ओके, सो टू स्टार्ट विद यानी शुरू करने के लिए, लेट मी स्टेट क्लियरली कि मुझे वाज़े तौर पर बयान करने दें, दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया मवासलात का सबसे ज़्यादा ताकतवर जरिया है। तो ये उसकी उर्दू। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज, बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। तो समटाइम्स का मतलब है कभी कभार, मीडिया स्प्रेड्स, स्प्रेड्स, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना।
हिलाना. जनरली इन फॉल्स मीनिंग्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. फॉल्स का मतलब होता है झूठा या झूठी. न्यूज़ खबरें. जनरली जनरली का मतलब आम तौर पर. इन्फॉर्म्स इन्फॉर्म्स का मतलब है आगाह करना. आगाह करना. इन्फॉर्म आगाह करना. फैक्ट्स फैक्ट्स का मतलब होगा हकायक. हकायक. समटाइम्स यानी बाज़ोकात मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज. मीडिया झूठी खबरें फैलाता है. बट जनरली लेकिन आम तौर पर इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस. इट इन्फॉर्म्स अस ये हमें आगाह करता है अबाउट द फैक्ट्स हकायक के मुतालिक अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द. ओके. कभी कभार मीडिया गलत खबर या खबरें फैलाता है लेकिन आम तौर पर ये हमें हमारे इर्द गिर्द के हकायक से आगाह करता है. डू यू एग्री यानी क्या आप मुत्तफिक हैं. डू यू एग्री. तो ये सारा कुछ जो है वो टीचर कह रही है. ओके. स्टूडेंट्स क्या कहते हैं. स्टूडेंट्स यस वी डू. हाँ हम मुत्तफिक हैं आपसे. अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो टीचर कह रही हैं अच्छा जैसा कि हम पहले से फैसला कर चुके हैं कि आज के मुबाइसे का उन्वान जो है वो है मीडिया का किरदार और इसका असर. तो शुरू करने के लिए मैं वाज़े तौर पर बयान करूंगी कि मीडिया मुवासलात का सबसे ताकतवर ज़रिया है. ये लोगों के साथ खबरों और मालूमात का तबादला करता है. बाज़ औक़ात मीडिया झूठी खबर भी फैलाता है मगर आम तौर पर यह हमें हमारे इर्द गिर्द के हकायक से आगाह करता है. क्या आप इत्तफाक करते हैं. स्टूडेंट्स तो तालिबे इल्म कहते हैं हाँ हम करते हैं. मज़ीद आगे हम यूनिट को पढ़ते हैं और इसके और इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं. स्टूडेंट वन आई वुड लाइक टू एड अ बिट मोर टू इट. तो एड का मतलब है इजाफा करना. अ बिट मोर यानी थोड़ा सा. ओके. एड इजाफा. ओके. बिट मोर थोड़ा सा. सो स्टूडेंट वन यानी जो पहला तालिब इल्म है वो कह रहा है ये कह रही है आई वुड लाइक टू एड अ बिट मोर टू इट. मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूँगी. टीचर उस्तानी कह रही हैं यस श्योर. हाँ यकीनन. श्योर मीन्स यकीनन. यकीनन या ज़रूर. ओके. स्टूडेंट तो पहली स्टूडेंट कह रही हैं कि मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूँगी. अगर सुस्तानी कह रही हैं हाँ ज़रूर. स्टूडेंट वन मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. ओके. नॉलेज इल्म नॉलेज का मतलब है इल्म ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का. शेयर करना. शेयर शेयर का मतलब है तबादला करना.
शेयर का मतलब है तबादला करना. ओके, सो मीडिया हेल्प्स पीपल, मीडिया लोगों की मदद करता है टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इल्म का तबादला करना. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट. फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब है एहसासात. एहसासात. ओपिनियंस जज्बात. इसको आरा भी कहते हैं, राय की जमा है आरा या जज्बात. एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब है जाहिर होना, जाहिर करना. जाहिर करना. ओके, देयर फीलिंग्स यानी उनके एहसासात एंड ओपिनियंस और जज्बात आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, यानी उनका इजहार इसमें होता है, यानी मीडिया में, यानी उनके एहसासात और जज्बात का इजहार इसमें होता है, यानी ये उनके जज्बात, ये उनके एहसासात और जज्बात का इजहार करता है. सो मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. ओके, अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट का मतलब है मुतवज्जे करना. मुतवज्जे करना. अटेंशन, अटेंशन का मतलब है तवज्जा. ओके, ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है, वैसे इसका मतलब है सामीन, सुनने वाले, लेकिन नाजरीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी मीडिया के जो भी सुनने और देखने वाले हैं उनको हम ऑडियंस कहते हैं. ओके, सो मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस. तो मीडिया क्या करता है, मुतवज्जा करता है द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस. मीडिया बहुत बड़ी तादाद में नाजरीन की तवज्जा को हासिल करता है. हैव यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज to switch on the television. Noticed? Noticed का मतलब क्या होगा? Noticed का वैसे मतलब महसूस करना, मुशाहिदा करना, महसूस करना. Have you noticed कि क्या आपने महसूस किया है that the first thing we do कि पहला काम जो हम करते हैं, Soon after entering the house, घर में दाखिल होने के फौरन बाद, is to switch on the television, और वो है टेलीविजन को ऑन करना. क्या आपने महसूस किया है कि घर में दाखिल होने के फौरन बाद जो पहला काम हम करते हैं वो क्या है? वो टेलीविजन को ऑन करना है. अब टीचर उस्तानी कह रही हैं, there is no doubt about it, यानी इसके मतलब कोई शक नहीं है. तो डाउट का मतलब है शक. ओके, सो डाउट होगा शक. सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके मतलब कोई शक नहीं है. टेक्स्ट के इस पार्ट को अगर हम दोबारा से ट्रांसलेट करें तो इसकी ट्रांसलेशन यूं होगी. तो पहली तालिब इल्म कह रही हैं, मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूँगी. उस्तानी कहती हैं, जी हाँ ज़रूर. तो तालिब इल्म कहती हैं, मीडिया दुनिया के इल्म को फैलाने में लोगों की मदद करता है, उनके जज्बात और एहसासात का इजहार इसके ज़रिए होता है. मीडिया नाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो का मरकज़ है. क्या आपने कभी महसूस किया कि हम घर में दाखिल होने के फौरन बाद सबसे पहला काम जो करते हैं वो टेलीविज़न को चलाना है? उस्तानी कहती हैं,
इसके बारे में कोई शक नहीं। डी स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम यूनिट 3 को यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इसके रिमेनिंग पार्ट को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।